काली आंधी बना लो जी, तेरे रन बनाने बना लो, बस एक बार बैटिंग आने तो फिर देखना बाबर आजम आज 100 करेगा। 100 करेगा, लेकिन डैड इजाजत तो 4 की है ना। अरे वो स्कोर की बात कर रहे हैं यार, खामोशी से नहीं देख सकते मैच। कम ऑन जारा, कर दी ना लसबेला गोली मार वाली बात। अरे खामोशी से सिर्फ फिल्म देखी जाती है। हाँ, ताकि कहानी समझ आ सके। लेकिन डैड यहाँ तो मुझे कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। एम्पायर को बीच में खड़े नहीं होना चाहिए यार, अजहर को गेंद नजर नहीं आई। एम्पायर और कहाँ खड़ा होगा? अरे किसी गली के कोने में खड़ा हो, इलेक्शन में खड़ा हो, अपनी छत पे खड़ा हो, किसी के मसले में खड़ा हो, ये बीच में क्यों खड़ा है यहाँ पर? डैड एम्पायर के बगैर मैच नहीं होता। क्यों, बॉल छुपा लेता है क्या? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मोहम्मद आमिर को गोलकीपर बनाया किसने, एक भी गोल नहीं रोक पाया ये। कर दी ना डिफेंस वाली बात आपने, हैं? क्रिकेट में गोल नहीं होता। होता है बेटा, होता है। शायद आफ्रिदी गोल हो गया ना, चाहता तो अब भी खेल सकता था वो। अरे आफ्रिदी से याद आया, मैंने आफ्रिदी पे गजल लिखी है, सुनो। अरे सुना है बेटा, कोई जरूरत नहीं है, मैच देखो। डैड ये काली आंधी तो 300 की तरफ जा रहे, हम पाकिस्तान बना पाएंगे? अरे पाकिस्तानी 300 करोड़ बना लेता है, बस अच्छी जगह पोस्टिंग होनी चाहिए। शुक्र करें अभी गेल नहीं है, वो होता ना तो 350 की तरफ जा रहे होते। वैसे गेल है कहाँ आजकल? वही होगा डैड, घास पे। वो गेल है, कोई बेल नहीं। डैड अगले हफ्ते PSL होने वाला है, हम स्टेडियम में जाके देखेंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन बेटा टीवी उठा के इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? PSL लाइव देखेंगे ना स्टेडियम में जाके। वंडरफुल आइडिया। अब रूबी वो जो PCB में जमशेद साहब होते हैं ना, उनसे टिकट की बात कर लो यार। अब वो PCB में नहीं होते, ICU में होते हैं, बीमार। चलो मरने दो उन्हें, मेरा मतलब रहने दो, कोई और बंदोबस्त कर लो यार। रन्स बहुत ज्यादा है, बॉल्स बहुत कम, हम कैसे जीतेंगे? जीत जाएंगे भाई। वैसे विकेटें कितनी है? लास्ट विकेट। इस वक्त अगर आफ्रिदी होता ना तो कहाँ हमारे साथ घर में। भाग 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 भाग, अरे भाग यार, दो रन थे यार। भाग रहा था डैड, वो फाइव बीच में आ गया। ये अंपायर आ क्यों रहा है बीच में यार, इसे कुर्सी दो ना। एक बॉल पे 6 रन चाहिए अब। यार वैसे आप PSL भी मजा आने वाला है यार। रूबी VIP पास अरेंज कर लो। नो वे, अगर तुम लोग VIP स्टैंड में इसी तरह शोरगुल और हंगामा करोगे तो मैं टिकट बिल्कुल नहीं दिला। तो हाथ बांध के मैच देखेंगे क्या? जाना मैं भी कम ऑन। यस थैंक यू। किस लिए आया था? अबे हाँ, वो रूबी ने टिकट अरेंज करने से मना कर दिया, अब क्या करें? आप क्यों नहीं चलती मम्मी के सामने? मैं आपकी जगह होती तो मम्मी को डरा धमका के उनसे टिकट ले लेती। तुमने मुझे अंडरएस्टिमेट किया, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। रूबी! अरे भाई क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो मेरे लिए PSL के टिकट का बंदोबस्त कर रही हो या नहीं? नहीं। सही। 6 बज गए, इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगानी है, फिल्टर ही नहीं समझ आ रहा कौन सा लगाऊं। जरा हाँ यार, ऐसा करो कोई और सिलसिला सोचो, मुझे हर सूरत में PSL का फाइनल देखने जाना है स्टेडियम। डैड अब तो ब्लैक में भी टिकट्स नहीं मिल रही, तो किसी और कलर में देख लो, मुझे तो टिकट चाहिए ना। अरे याद आया, आपके वो दोस्त है ना, क्या नाम है उनका, बाबू भाई, वो मुझे बाजार में मिले थे आज। बाबू? हाँ। बाबू के पास टिकट है? हाँ, वो तो इतने खुश थे, लेकिन जनरल स्टैंड गए हैं। अरे जनरल स्टैंड क्यों, जनरल स्टोर क्यों, मुझे तो बस टिकट चाहिए और मैं ले लूंगा। कैसे? ये तुम देखती जाओ, मैं अभी करता हूँ कुछ। हाँ इंस्टाग्राम टाइम रह गया। वन लाइक। और बाबू भाई सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? बाबू भाई क्यों बोल रहे हो? बाबर नाम है मेरा। यारी दोस्ती में सब चलता है यार, तुम ये बताओ भाभी की कैसी? भाभी तुम्हारी है? मेरी तो बीवी है। मेरी बीवी है? कौन मेरी बीवी? नहीं मेरी बीवी। और तुमने भी तो कहा है कि तुम्हारी बीवी है। हाँ हाँ मेरी बीवी है। वो तो भाभी है ना। कौन? मेरी बीवी? नहीं तुम्हारी बीवी। अरे मेरी बीवी तो मेरी बीवी है, भाभी कैसे हो गई यार? यार दफा करो,
बीवी अपनी अपनी बस। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो यार दरअसल बाबू बात ये कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास टिकट्स हैं पीएसएल के जनरल स्टैंड के। हैं? हाँ तो नहीं टिकट तो मेरे पास भी है वीआईपी स्टैंड के और दो जनरल स्टैंड के। अच्छा 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 अब मैं समझा, तुम्हारा मतलब ये है कि साथ मिलके चलेंगे मजा आएगा। नहीं नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम मेरे वीआईपी स्टैंड के टिकट ले लो और मुझे जनरल स्टैंड के टिकट दे दो तो कैसा लगेगा? वीआईपी स्टैंड के टिकट ठीक है यार, तुम्हारी खातिर ये भी नहीं कर सकता, कर लो एक्सचेंज। ये हुई ना दोस्तों वाली बात है। रहमत ये बैग दिखाओ। क्यों क्यों इसमें टिकट है मेरे? यार दिखाओ, ये लो एहतियात से रखना इसको, थोड़ा समझ गई? जी साहब जी समझ गई। एहतियात से बेटा एहतियात से, लाओ भाई टिकट तो दो। अरे देते हैं यार, क्या जल्दी है, टिकट भी मिल जाएंगे। अरे बाबू भाई आप कैसे? आप तुमने मुझे बाबू भाई कहा करें तो फिर क्या कहूँ बाबू? तुम ये जल्दी कैसे वापस आ गई? आप टिकट नहीं मिले तो वापस आ गई। क्या तुम्हें टिकट नहीं मिले? नुमान तो कह रहा था कि इसके पास टिकट है। कमाल करते यार तुम, टिकट है ना, मैं तुम्हें अपना टिकट दे रहा हूँ। हाँ। तुम मुझे अपना टिकट दे दो। रहमत इनका बैग ले आओ जरा। नुमान टिकट्स कहाँ हैं दिखाओ मुझे। अरे दिखाते हैं यही है यार। मेरे टिकट भी नहीं मिल रहे। मेरे भी नहीं मिल रहे थे ताली। नुमान टिकट्स कहाँ हैं? है यही है टिकट, अब इधर ही है मगर अब। नुमान मैं तुमसे पूछ रही हूँ बाबू भाई के टिकट्स कहाँ हैं? देख नुमान मैं बता रहा हूँ साफ साफ, अगर मेरे टिकट तूने नहीं दिए ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। बुला नहीं, पुलिस का पागल लगेगा। टिकट लाके दो इनके। ला वो तो ज़ारा मेम साहब के पास। क्या इतने एहतियात से रखवा लिए? जरा जरा तुमने हमारी नाक कटवा दी। मॉम लगी हुई तो है। तुम चुप रहो। जरा कर दी ना तुमने मिडिल क्लास लड़कियों वाली बात, शर्म करो, चोरी की तुमने। पहली गलती माफ। अच्छा अगर मैं इसका खून कर दूं और फिर कहूं कि मुझसे गलती हो गई तो चलेगा? डैड आप अभी भी सोच रहे? डैड सोचना है तो ये सोचे कि अगर पुलिस आ जाती तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। वो तो अब भी नहीं है बेटा तुम्हारी वजह से। क्यों मैंने क्या किया है? इस घर में जो पैदा हुआ तुम। मॉम डैड को देखे ना। नुमान स्टॉप इट, सारा अच्छी खासी वैल्यूज वाली मिडिल क्लास फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है। थैंक यू मम्मी, मैंने कभी गुरू नहीं किया। मैं तारीफ नहीं कर रही बल्कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। मैंने चोरी नहीं की है मम्मी जी, बाबू भाई को आवाज देके पूछा था कि आपके बैग से टिकट ले लूं तो मैंने ले ली। हाँ, सही तो कह रही है। झूठ बोल रही है ये, तुम तो बाबू भाई के सामने आई नहीं। अरे नहीं बात दरअसल पता क्या है, इसने कहा ना कि इसने अपने कमरे से आवाज दी, बाबू भाई मैं टिकट ले लूं, इसने दे दी है। अब उन तक आवाज नहीं गई तो इस बेचारी का क्या कसूर है? तो और क्या, बाबू भाई के सामने चोरी करती क्या? शुक्र है कि पुलिस नहीं आई वरना हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, यही कह रहे हो तुम? अब सुनो सुनो रवि, अगर तुमने पीएसएल के टिकट का इंतजाम नहीं किया तो मैं गन लेकर निकल जाऊंगा, किसी भी घर में घुस जाऊंगा और टिकट छीन लूंगा, मुझे पीएसएल के फाइनल स्टेडियम में देखना है। ओके 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 फाइन 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 अरेंज कर दूंगी। ये अच्छा, थैंक यू रवि। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बात सुनो, ऐसे नारे बनने चाहिए जो इससे पहले कभी किसी ने सुनी ना हो। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे मार दे छक्का खो दे बॉल आजा बैजा मेरे को। हाँ माशाल्लाह, छक्का मार के तेरे पास आके बैठे तो वहां खेलेगा कौन? भाई ऐसे नारे बनाओ जिसमें खिलाड़ियों के नाम आए। एक आया बोलो कितने बड़े आजम, बाबर आजम बाबर आजम। से के बाद आता है जीम, इमाद वसीम इमाद वसीम। हाँ ये हुई ना बात, जैसे साडा हक एथे रख इमाम उलक इमाम उलक। 80 गज का मेरा मकान फकर जबान फकर जबान। वेरी 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 गुड। मैंने भी एक पाकिस्तानी टीम पे एक कथा लिखी है, आप कहें तो मैं सुनाऊं। अर्ज किया है सानू नहर वाले पुल से बुला के, सानू जितवाओ छक्का लगा के, केंदे नैना दुआएं कर रही है बहना। बात सुन, एक बात मेरी सुन लेना, ऐसा कोई शेर अब न कहना। डैड अभी ये नहीं लिखा मैंने, लिखा है यार ये तो मैं कह रहा हूँ ना। क्या आपने भी नज़्म लिखी है? वाओ
आओ। डैड जल्दी जल्दी आप पोस्टर बनाए ना, मैं तो एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़ारा ज़ारा आई एम सो सॉरी। अब तुम्हें ये नारा घर में टीवी के सामने बैठ कर लगाना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ दो टिकट मिले हैं, एक मेरा और एक नौमान का। यार ये तो मैच शुरू होने से पहले विकेट गिर गई। चलो क्या हो गया माँ तुम्हारी जिंदा, क्यों इसे गला फाड़ फाड़ के रो रही हो? तुम्हारी मामा ने जानबूझ के मेरे लिए टिकट नहीं ली ना, मिडिल क्लास हूँ, शर्मिंदगी होती है ना उन्हें। अरे नहीं रे, ऐसा नहीं है। और वैसे भी तो अब तो तुम मेरे साथ हो तो ऑटोमेटिकली होगी ना तुम्हारी क्लास ऊपर। बचपन में भी मेरी क्लास ऊपर थी। क्या मतलब? सेकंड फ्लोर पे मैट्रिक में। अच्छा चलो, अच्छी बात है। अरे रो नहीं, चुप हो जाओ। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, बाबर आजम के लिए इतना बड़ा खत लिखा था मैंने। क्या? हाँ पूरे एक पैराग्राफ का। क्या लिखा पैराग्राफ में? मैंने लिखा था, दो चम्मच सुबह, दो चम्मच दोपहर, दो चम्मच शाम, ये खत तुम्हारे नाम। ये घटिया शायरी तो वो शानी की है ना? जी नहीं, मेरी है। ओ, तो तुम ऐसा करने वाली थी। बहने आखिर भाइयों के लिए क्या क्या नहीं कर सकती, मैं तो भाग के स्टेडियम में उनके पास चली जाती। देखो, यही तुम्हारी वो हरकत है जिनकी वजह से मामा को आता है तुम पे गुस्सा, उन्हें होती है शर्मिंदगी, इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ तुम्हें अपने साथ में। अगर मुझे वो नहीं लेके गई ना तो तुम्हारी कसम कूद जाऊंगी मैं। घर की छत से कूद जाओगी? जी नहीं, स्टेडियम की दीवार से। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कूदने वादने की, मैं ले जाऊंगा तुम्हें अपने साथ, साथ में देखेंगे। पता क्या, वहाँ ना मजा नहीं आता यार, वो रिप्ले देखने का बिल्कुल मजा नहीं आता है वहाँ पे। अच्छा, हमें काम करते हैं, हम ना सारे मैचेस घर पे देखेंगे। कभी तुम मुझे देखना, मैं तुम्हें देखूंगा, कभी हम दोनों टीवी देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। कहाँ? वो मुझे जाना ना, सेल लगी है, डैड को शर्ट्स खरीदनी है, 6 शर्ट पे 3 शर्ट फ्री, बाय। तुम चलोगे? नहीं, मैं मुफ्त के कपड़े नहीं पहनता। बाय। रहमत, काम करने में क्यों हो रही है तुम्हें जहमत? अच्छी तरह से साफ करो, जान लगाओ। बीबी जी, जान तो असली घी खाने से आती है, हम गरीबों को तो नकली मिल जाए तो काफी है। अच्छा अच्छा, जबान मत चलाओ, हाथ चलाओ। ओ हाँ, गए घटिया। क्या? अरे भाई, घटिया जगह से शर्ट लेकर दिखाओ जरा। घटिया, ये देखो। वाह वाह, बहुत अच्छी शर्ट, मैं पहचान गई, सर पीटर की है ना। कौन पीटर? अरे होगा कोई, वहीं से लिए ना, जहाँ से ज़ारा चीजें खरीद कर कहती है कि पप्पू ने इंग्लैंड से भेजी हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? वो बाजार में घूम घूम कर मेरे पेट में दर्द हो गया शायद। क्यों, पेट के बल घूमते रहे हो क्या? नहीं, वो एक सवाल पूछूं। हाँ। हमने जब ये घर बनाया था तो इसमें कमरे में बाथरूम बनवाया था। हाँ हाँ, बनवाया था। तो बाथरूम अपने कमरे में ही है ना? हाँ, तो हिला तो नहीं ना वहां से? मैं एक मिनट अभी आया। क्या हो गया इसे? रहमत, तुम अपना काम करो। डैड, डॉक्टर ने बताया कि आपको डायरिया हो गया है। हाँ बेटा, मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है आजकल। डैड, डायरिया मौसम से नहीं बल्कि ज्यादा खाने से होता है। अबे तुझे क्या पता, मैंने किसी की जायदाद खा ली क्या? नौमान, तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, जब जारा के साथ तुम शर्ट लेने गए थे तो क्या खाया था बाहर से? रश बहुत धक्के खाए थे। नहीं नहीं, पकौड़े खाए थे, वो भी चटनी में डबो डबो के। क्या पकौड़े ठेले से? कितने के खाए थे? 400-500 बोल रहा था, लेकिन हमने तो दिए नहीं। क्यों डैड, बताए 500 के पकोड़े? आर यू मैड? अरे यार क्या करता, नहीं खाता ना तो रेहान के बच्चे से शर्त आ जाता 1000 रुपए की। डैड, आपने शर्त के चक्कर में 500 रुपए के पकोड़े खा लिए? हाँ तो क्या हुआ, 500 के फ्री पड़ गए ना। 500 रुपए बचाए ना, यही तो शर्त थी। और जरा सोचो, 500 रुपए के फ्री पकोड़े भी खा लिए। वो तो शुक्र है डैड, शर्ट 2-3 हजार की नहीं थी, वरना आप तो पूरा ठेला खा जाते। वो पॉसिबल नहीं था बेटा। क्यों डैड? उसके पास पकौड़े 1500 के थे। ज़ारा, जरूर ये कंपटीशन तुमने ही करवाया होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ हौसला बढ़ाया था। हाँ अगर ये सपोर्ट न करती ना तो 1000 रुपए तो गए थे भाई। मुझे अफसोस है नौमान, अब तुम PSL का फाइनल देखने नहीं जा सकते, थैंक्स टू ज़ारा। जी मम्मी जी, तुम्हारा काम तो हो गया,
मैं और नोमान अब मैच देखने नहीं जाएंगे। तुम जो चाहती थी वो तो हो गया। नोमान वैसे क्या जरूरत थी तुम्हें इतने पकौड़े खाने की? रूबी इतने मजे के थे। मेरा मोबाइल किधर है? जारा क्या हो गया? सुनो तो मेरी बात। क्या है? मैं घर जोड़ के जा रही हूँ, बता दिए ना तुम्हें? अरे जाना वाना बाद में, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। अरे सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। क्या है, कहो। तो तुमने मेरे कपड़े पैक कर दिए। तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुमने अपने कपड़े 3 दिन से वॉशिंग मशीन में डाले थे जो अब तक निकाले नहीं। मुझे पता था तुम खाना बनाना भी भूल गई होगी, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए खाना बना कर ले आई। देखा मामा कितनी अच्छी है, सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक आई है। सॉरी? देखा बोल भी दिया। अरे मैं तो कह रही हूँ खाना सॉरी। मैं देखा फिर से बोल दिया सॉरी, 3 बार बोला वो भी दिल से। ऐसे तो पागल हो गया, सॉरी मैं क्यों? देखो फिर से सॉरी बोल दिया मामा ने, अब हम आराम से बैठ के खाना खाते हैं। ऐसा मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाई। थैंक यू मामा, आओ बैठ के हम खाना खाते हैं। मुझे खाना नहीं खाना। क्यों? डैड की तबीयत खराब है, उनके लिए मैंने मन्नत मांगी है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूँ, आगे से तो खाइए। मैं चटनी लानी भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। हाँ ये तो होना ही था, भूख तो। डैड जूस लाई हूँ आपके लिए। चलो जूस ही तो आए हैं। थैंक यू बेटा, बहुत ऐसी हो। इसने 24 घंटों से मेरी वजह से खाना नहीं खाया। और पानी भी तो नहीं पिया डैड। ये काम तो ऊंट भी करते, 4-4 दिन पानी नहीं पीते। तो हो सकता है उसके इलाके में पानी नहीं आता हो। अब सारे ऊंट जारा के इलाके में तो नहीं रहते। हाँ कुछ डिफेंस में जो रहते हैं। अरे कुछ भी हो भाई, जो काम मेरी बहू ने किया है ना वो तो कोई कर ही नहीं सकता। नोमान ऊंट कर सकता है। अच्छा है भाई नोमान, कल मैच देखने नहीं जा रहे, वरना कल खिलाड़ी ग्राउंड में रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे होंगे और तुम रनिंग बिटवीन द टॉयलेट कर रहे होंगे। नहीं मैं ठीक हूँ। मैं शर्त लगा कर कहती हूँ कि कल तुम ठीक नहीं होगे तो मैच देखने नहीं जा सकते। और अगर चले गए तो आप अपना टिकट मुझे दे देंगे। डेफिनेटली। लगी शर्त? लग गई, लेकिन याद रखना ये पकौड़ों वाली शर्त नहीं है। डैड डैड डैड, आपके लिए गुड न्यूज है। ए, क्या हुआ बेटा, घर छोड़ के जा रहे हो? स्टेडियम में बारिश का पानी भर गया है और खत्म नहीं हो रहा है, 2 दिन तक मैच पोस्टपोन। अरे तो 2 दिन में तुम्हें ठीक हो जाऊंगा ना। मैं शर्त जीत गई, अब तो टिकट देनी पड़ेगी आपको। कौन सा टिकट? मैंने तो कहा था कि कल मैच देखने नहीं जा सकते। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करे मम्मी जी, आपने कल का तो जिक्र किया ही नहीं था, आपने सिर्फ ये कहा था कि मैच देखने नहीं जा सकते। क्यों डैडी? कहा था लेकिन बात तो जाने की हुई थी ना। दैट्स चीटिंग मम्मी जी, आपने मुझे टिकट देना है और आप मुझे अपना टिकट देंगी बस। अरे भाई वो तो मेरा टिकट है, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? हटो। पर मम्मी, मम्मी टिकट मुझे चाहिए, टिकट दे मुझे। डैड, मैंने एक टिकट पर एक गजल लिखी है। एक मिनट बेटा, तुम जब गजल सुनाते हो ना तो हमारा खून खुश्क हो जाता है। तो एक आइडिया है, तुम स्टेडियम चले जाओ, वहां पे सुनाओ, पानी खुश्क हो जाएगा। डैड वेरी बैड।